हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुगुरु जी। मैं सेल्फ मयूर परियानी। आज हम इस वीडियो में आईपीमैट इंदौर के लिए स्पेसिफिकली एक एलआर का बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल डिस्कस करने वाले। अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स से इन्होंने एलआर का ही एक 5 क्वेश्चन का सेट पूछा है। अगर हम आईपीमैट इंदौर में 30 क्वेश्चन में से एमसीक्यू वाले सेक्शन की बात करूँ, एमसीक्यू वाले सेक्शन में जो 30 क्वेश्चन का सेट आता है, उन 30 क्वेश्चन में जो 26 से लेकर 30 वाला 5 क्वेश्चन का सेट है वो एलआरडीआई पर ही बेस्ड है। ठीक है, एक बार इन्होंने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे पूछा, एक बार इन्होंने बेसिक पजल पूछा और एक बार इन्होंने टिक एंड क्रॉस पे पूछा। तो आज भी हम इसी टाइप का एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल से स्टार्ट करते हैं। हम इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलआर के कुछ ऐसे पजल्स देखेंगे जिसमें से कोई भी हमको पॉसिबली एग्जाम में मिल सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर पजल। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि इस पजल में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। राधिका, नेहा, रूपा, महिमा, सायली एंड शोभा, ये 6 लोगों के बारे में बात की है। जॉइंट 6 डिफरेंट रेनाउंड एमबीए इंस्टीट्यूट्स ए बी सी डी ई एंड एफ। क्या मतलब हुआ यहाँ तक, ये 6 लोग हैं, इन्होंने 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं। क्या क्या नाम है उनके, ए बी सी डी ई एंड एफ। आगे बोल के रखा है, एंड ऑप्टेड फॉर 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इन्होंने 6 अलग अलग ऑपरेशन, 6 अलग अलग क्या बोलना चाहिए हमको, स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किए हैं। जैसे इन 6 में से किसी एक ने फाइनेंस लिया होगा, किसी एक ने आईटी लिया होगा, किसी एक ने ऑपरेशन लिया होगा, किसी एक ने एचआर, किसी एक ने मार्केटिंग और किसी एक ने जनरल मैनेजमेंट। और आगे एक इन्फॉर्मेशन और देके रखिए, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आउट ऑफ बीसीए, बीकॉम, सीए, बीबीएम, बीएससी एंड बीटेक। मतलब अगर मैं पूरे के पूरे यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को समराइज करूँ तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके का है कि 6 स्टूडेंट्स हैं, उन 6 स्टूडेंट्स ने 6 रेनाउंड एमबीए इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए हैं जिनका नाम देकर रखा है ए बी सी डी ई एंड एफ। आगे बोल के रखा है कि उन्होंने मैनेजमेंट में कुछ स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किए हैं, उनमें से एक है फाइनेंस, एक है आईटी, एक है ऑपरेशंस, एचआर, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट। और एक इन्फॉर्मेशन जो और देकर रखी है वो ये है कि इन 6 लोगों के प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है जिसके लिए उन्होंने बता के रखा है बीसीए, बीकॉम, सीए, बीबीएम, बीएससी एंड बीटेक। और आगे फिर हमको कुछ क्लूज देके रखे हैं जिन क्लूज के बेसिस पर हमको बताना है कि किसने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, क्या स्पेशलाइजेशन पिक किया है और क्या उनका प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है। सो हम एक एक करके क्लूज रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है राधिका, नेक्स्ट इज नेहा, नेक्स्ट इज रूपा, महिमा, सायली एंड शोभा। अब यहाँ पर मैंने सबके इनिशियल्स लिखे हैं, पूरा पूरा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस राधिका का और रूपा का हमने एक एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा लिखा है, एक एक लेटर एक्स्ट्रा लिखा है बिकॉज दोनों का इनिशियल सेम है। सेम इज द केस विद सायली एंड शोभा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ पर ऐसा कुछ कॉलम बनाना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लिए कॉलम बना लेते हैं, नेक्स्ट हम स्पेशलाइजेशन का कॉलम बना लेते हैं और एक कॉलम हम बना लेंगे उनके प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन। ठीक है, इतना हम कर लेते हैं और एक एक करके अब हम क्लोज रीड करते हैं। जल्दी से हम ऐसा पूरा का पूरा एक कॉलम फॉर्मेशन कर देते हैं। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्लू पढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्लू में बोला है महिमा ज्वाइंड इंस्टीट्यूट बी एंड डिड नॉट टेक अप मार्केटिंग और आईटी एंड इज नॉट ए बीटेक। क्या मतलब हुआ इसका कि महिमा ने इंस्टीट्यूट बी ज्वाइन किया। सो लेट अस राइट इंस्टीट्यूट बी इन फ्रंट ऑफ महिमा। महिमा के सामने हमने इंस्टीट्यूट बी लिख दिया। कॉलम समझना, फर्स्ट कॉलम में हमने नेम लिखे हुए हैं, सेकेंड कॉलम में हमने इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन एंड नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको महिमा के इंस्टीट्यूट के बारे में बता के रखा था जो कि बी है। आगे उन्होंने हमको कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है, एंड डिड नॉट टेक अप मार्केटिंग और आईटी। मतलब ये नेगेटिव क्लू है। नेगेटिव क्लूज वैसे कई बार हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि नेगेटिव क्लूज को वो अवॉइड करते हैं, बट नेगेटिव क्लूज को अवॉइड नहीं करना, नेगेटिव क्लूज ही एक्चुअल में वो सीन्स क्रिएट करते हैं जिससे हमको आगे के कंक्लूजन मिलने लगेंगे। तो नेगेटिव क्लूज को भी लिखते जाए, किस तरीके से लिखे हैं देखना। तो क्या लिखा है, महिमा ज्वाइन इंस्टीट्यूट बी एंड डिड नॉट टेक अप मार्केटिंग और आईटी। महिमा ने मार्केटिंग और आईटी नहीं लिया है, तो मार्केटिंग क्रॉस कर दो, आईटी भी क्रॉस कर दो। इस तरीके से नेगेटिव क्लोज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करना चाहिए। ये नहीं किया और हम सोचें कि हम इस इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करेंगे तो वो बाद में तो कभी नहीं आता है। ठीक है, और आगे उसके लिए बोल के रखा है एंड इज नॉट ए बीटेक। मतलब उसका प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक भी नहीं है, तो हम यहाँ पर बीटेक भी कैंसिल कर देते हैं।
मूविंग अहेड सेकंड क्लू की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्लू बोला था पर्सन हु जॉइन इंस्टीट्यूट ई, इस बार नाम नहीं दिया है, ठीक है, तो नाम नहीं दिया है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझते हैं। द पर्सन हु जॉइन इंस्टीट्यूट ई ऑप्टेड फॉर एच आर एंड इज नॉट ए सी ए और ए बी एस सी। अब नाम नहीं दिया है तो ऐसे क्लूज को भी हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे क्लूज को हम अलग से एक बॉक्स बनाकर, अलग से एक रो बनाकर उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, क्या लिखा था, द पर्सन हु ज्वाइंड इंस्टीट्यूट ई, किसने ज्वाइन किया नहीं पता है, वो पता होता तो हम डायरेक्ट फिल करते हैं, बट यहां पर हम लिख देते हैं पर्सन जिसने इंस्टीट्यूट ई ज्वाइन किया ऑप्टेड फॉर एच आर, उसने एच आर ऑप्ट किया, और साथ में एक इंफॉर्मेशन और देके रखी है एंड इज नॉट ए सी ए और बी एस सी, और वो सी ए भी नहीं है और बी एस सी भी नहीं है, ये चीज दे दी। ये इंफॉर्मेशन अलग से लिखने से क्या एडवांटेज होता है, कम से कम मेरे को इतना तो पता चल चुका है कि जिसने इंस्टीट्यूट ई ज्वाइन किया है उसने एच आर ऑप्ट किया है, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ऐसे के ऐसे जाके फिट हो जाएंगे। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एच आर जो है वो महिमा के करेस्पॉन्डिंग तो नहीं आ सकता, बिकॉज महिमा के करेस्पॉन्डिंग जो इंस्टीट्यूट है वो बी है और यहां पर इंस्टीट्यूट क्या है, ई है, तो ये जो दोनों है ये एज इट इज कहीं ना कहीं उठ के फिट हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए ऐसी इंफॉर्मेशन नोट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करें, द पर्सन हु इज अ बीसीए ग्रेजुएट ज्वाइन इंस्टीट्यूट डी, फिर से नाम नहीं दिया है, बीसीए ग्रेजुएट जो है ये ध्यान रखना यहां पर थोड़ा सा, ये बीसीए यहां नहीं लिखना, ध्यान रखना बीसीए जो है वो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में है। बीसीए ग्रेजुएट जो है उसने क्या करा है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, ज्वाइन द इंस्टीट्यूट डी, उसने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, इंस्टीट्यूट डी, और आगे बात करें टुक आईटी, इसके लिए तो ये भी बता दिया है कि आईटी, देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई, सिर्फ नाम को छोड़ के बाकी सब पता चल गया। ये तीनों के तीनों वैल्यूज, तीनों के तीनों जो हमको क्लूज मिले हैं ये तीनों ऐसे के ऐसे कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, वेयर इज द पर्सन हु इज बीकॉम ग्रेजुएट टुक अप जनरल मैनेजमेंट, फिर से वही बात, नाम नहीं पता है तो बता के रखा है कि जो बीकॉम ग्रेजुएट है उसने कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया है, जनरल मैनेजमेंट। ये हमको एक क्लू और मिला है, ये तीन क्लूज अभी तक हमारे ऐसे हैं जो थोड़े से साइड क्लूज हैं जो कि हम डायरेक्ट हमारे एक्चुअल स्ट्रक्चर में फिट नहीं कर पा रहे हैं, बट देखना जैसे ही हमारे सारे क्लूज खत्म होंगे कैसे ये स्ट्रक्चर फिट होते जाएंगे। मूविंग अहेड, शोभा इज अ सीए, चलो ये एक डायरेक्ट क्लू मिला, शोभा जो है वो क्या है, सीए है एंड हैज टेकन फाइनेंस, और शोभा के लिए ये भी पता चल गया हमको कि उसने क्या लिया हुआ है, फाइनेंस। हम एक काम करते हैं थोड़े से कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक वाइट लाइन खींच देते हैं जिससे हमको क्या पता चलेगा कि नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी साइड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो तो मूविंग अहेड, नेक्स्ट है द पर्सन हु इज अ बीटेक ग्रेजुएट हैज टेकन ऑपरेशंस, अब फिर से यहाँ पर नाम नहीं बताया है, एक इन्फॉर्मेशन और आ गई हमारे पास, द पर्सन हु इज अ बीटेक ग्रेजुएट, पर्सन जो कि बीटेक ग्रेजुएट है उसने ऑपरेशन मैनेजमेंट पिक किया है, सो आई एम राइटिंग इट एज ओ एम, ऑपरेशन मैनेजमेंट को मैं ओ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आगे बोल के रखा है कि डिड नॉट ज्वाइन इंस्टीट्यूट ए और सी, यहाँ पर कम से कम ये बता के रखा है कि ये जो भी है जिसने बीटेक, जिसका प्रीवियस क्वालिफिकेशन था, जिसने अभी ऑपरेशन मैनेजमेंट पिक किया है उसने इंस्टीट्यूट ए या इंस्टीट्यूट सी तो ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर हम यहाँ पर ए और सी दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और मूव करते हैं, बस एक लास्ट क्लू दिख रहा है, राधिका ज्वाइन इंस्टीट्यूट एफ, राधिका ज्वाइन इंस्टीट्यूट एफ, रूपा इज अ बीसीए ग्रेजुएट, रूपा इज अ बीसीए ग्रेजुएट एंड नेहा टुक अप एचआर, नेहा टुक अप एचआर। तो यहां पर हमने जितने भी क्लूज थे वो सारे रीड करके जितना पॉसिबल फिटिंग हो सकती थी क्लूज की वो कर दी। अब यहां से हमको छोटे छोटे से कंक्लूजन निकालना है जिन कंक्लूजन के बेसिस पर हम हमारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लू देखें तो एचआर जिसने भी ऑप्ट किया था वो कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, ई। यहाँ पर हमको दिख रहा है एचआर किसने ऑप्ट किया है, नेहा ने, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो इंस्टीट्यूट ई। ये एक बहुत अच्छा क्लू हमको मिल गया, ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग एक चीज और देके रखी है कि उसने सी ए और बी एस सी में से कुछ भी नहीं किया है, तो ये सी ए और बी एस सी को अभी के लिए यहाँ पर फिट कर दो। और ये क्लू हम यूज कर चुके हैं तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस पूरे क्लू को कैंसिल भी कर दो, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए करना चाहिए, अदरवाइज हमारी बार बार नजर उस पर जा सकती है। मूविंग अहेड, अब अगर हम बात करें ये बीसीए किसका, रूपा, तो रूपा के लिए बीसीए के लिए तो देखो कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है कि बीसीए जिसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिया था उसने आईटी ऑप्ट किया है और वो इंस्टीट्यूट डी से,
तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम एज इट इज यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज हमारी एज इट इज पुटअप हो गई। ये क्लू भी हमारा पूरा का पूरा यूज हो गया है, इसको भी अब हम ड्रॉप करते हैं। अब सिर्फ हमारे पास दो एक्स्ट्रा क्लूज और बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सी ए, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये सी ए मैंने लिख दिया है, सी ए विल बी हियर, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट्स की, तो इंस्टीट्यूट्स में छः में से चार लोगों के इंस्टीट्यूट्स की इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है, वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू, और वो कौन कौन से हैं, एक बचा है ए, एक बचा है सी, तो इन दोनों में से ही ए और सी आएगा। अभी नहीं पता तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं ए सी, और वी विल बी राइटिंग हियर सी ए। ये देखो ये भी एक सीक्वेंस होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। अगर ये ए है तो ये सी होगा, और अगर ये सी है तो ये ए होगा। अभी मेरे पास इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमको आगे एक क्लू और देकर रखा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट और बीटेक वाला जो क्लू है वो ए और सी से कनेक्टेड तो नहीं है, ए और सी से कनेक्टेड तो नहीं है, इसका मतलब यहां भी नहीं हो सकता है और इसके करेस्पॉन्डिंग भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ओ एम और बीटेक जो है वो ऊपर ही कहीं ना कहीं जाएगा। अब ओ एम और बीटेक के लिए मेरे पास एक तो यहां पर स्पेस बन रहा है, यहां पर तो नहीं आएगा बिकॉज यहां पर एच आर आ चुका है, और दूसरा मेरे पास ओ एम और बीटेक के लिए क्लू यहां पर बन रहा है, बट यहां पर क्लियरली मेंशन है कि बीटेक नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली वन पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि ओ एम और बीटेक एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ये एडवांटेज है हमारा इस टाइप के क्लूज को नोट करने का और नेगेटिव क्लूज को नोट करने का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पजल होते हैं, बट ध्यान ये रखना होता है कि नेगेटिव क्लूज जो है उनको अच्छे से नोट करो, और जो डिराइव्ड क्लूज है वो तो हमको नो डाउट निकालना ही है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा गिवन हो वो भी नोट करते जाना है, ये कभी नहीं सोचना कि इसको बाद में समझते हैं या इस इंफॉर्मेशन को हम मैन्युअली दिमाग में रख लेंगे। दिमाग में तो नहीं रख पाओगे कुछ भी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्लू भी हमारा खत्म हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, दैट इज जनरल मैनेजमेंट एंड बीकॉम। अब इसको हम फिट करके देखते हैं। अब जनरल मैनेजमेंट और बीकॉम, अब ये हमारा कहाँ आ सकता है, ये हम फिट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम पहले एक बार स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो चलो एक बार स्पेशलाइजेशंस पे देखते हैं कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस हो गए। ओएम हो चुका है, एचआर हो चुका है, आईटी हो चुका है, फाइनेंस हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू, दैट इज वन इज मार्केटिंग एंड अनदर इज बीबीएम। मार्केटिंग और बीबीएम सिर्फ दो कोर्सेस अब हमारे पास बचे हुए हैं। मार्केटिंग बचा है और दूसरा मार्केटिंग बचा है और जनरल मैनेजमेंट बचा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं तो मार्केटिंग नहीं आ सकता, ये हमने नेगेटिव क्लू में रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ मार्केटिंग नहीं आ सकता। दैट मीन्स मार्केटिंग जो है वो यहाँ पर ही आएगा, और एक ही चीज बच गई, दैट इज जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट हमारा यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही हमने ये वाला क्लू पिक किया कि जनरल मैनेजमेंट, तो जनरल मैनेजमेंट के करिस्पॉन्डिंग क्या था, बीकॉम। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर बीकॉम। हमारे जितने भी एक्स्ट्रा क्लूज थे वो सब यूज हो गए। अगर एक चीज ध्यान दी होगी अभी मेरे सॉल्व करते टाइम, कभी कभी मेरे को ये वाले क्लूज सॉल्व करने पड़ रहे हैं, कभी मेरे को ऐसे भी सॉल्व करना पड़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल कुल मिलाकर छह चीजें थी, छह में से चार मिल गई थी, बचे हुए दो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा, उसमें से एक क्लू हमारे पास मिल चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर पाए। अब देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। अब अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो पास्ट वाले हैं, उसमें कौन कौन हो चुका है, बीटेक हो चुका है और BCA हो चुका है, और आगे बात करें तो BCom भी हो चुका है और CA भी हो चुका है। दैट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विद BSc एंड BBM ओनली, सिर्फ BSc और BBM बचा है, और BSc और BBM हमको यहाँ पर और यहाँ पर फिट करना है। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि BSc नहीं है, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली BBM एंड फाइनली हियर इट विल बी BSc। दैट्स इट, हमारा पूरा का पूरा केस क्रैक हो चुका है, सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, क्या कि सायाली और शोभा में से किसने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, किसने ए किया था, किसने सी किया था, इसके रिगार्डिंग ना तो क्वेश्चन में कोई क्लू था, ना हम कुछ ऐसा डिराइव कर पाए कि हम उस चीज को जनरलाइज कर पाए। अभी इसको होल्ड पर रहने देते हैं, एक एक करके क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछे। लेट अस मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ महिमा एंड द कोर्स शी ऑप्टेड। महिमा का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कोर्स, महिमा की बात करें, महिमा का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीकॉम और कोर्स कौन सा है, जीएम। तो बीकॉम एंड जीएम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, बीकॉम एंड जीएम इज इन द ऑप्शन सेकंड, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर हम
ये पूरा का पूरा जो मैंने पजल को क्रैक करने की कोशिश करी है, इसमें अगर हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी ले लेंगे ना, 1-2-3 मिनट, तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक बार अगर ये हमारा पूरा अच्छे से बन गया तो उसके ऊपर जितने भी 4-5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे कि विद इन अ मिनट हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। और लास्ट ईयर जो उन्होंने 2-3 अलग अलग सेट्स पूछे हुए हैं, और दोनों तीनों सेट में ऐसा ही हुआ कि एक बार आप सेट अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से हैंडल हो सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर बात करूं जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, अगर कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन में मतलब जो 30 क्वेश्चंस है उसमें से कट ऑफ जो है ना वो सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस के आसपास जाता है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस तो हम सिर्फ इसी सेट के कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं उस सेट पे आप 8-10 मिनट्स तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल इजीली डूएबल सेट्स होते हैं अब तक पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो। सो लेट अस मूव अहेड, हम इसका क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सायली इज, सायली का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमसे पूछा है, तो सायली का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बीएससी। लेट अस सी वेयर इट इज, दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज बीएससी। दोनों क्वेश्चन इतनी जल्दी हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट इज व्हिच इंस्टीट्यूट डिड द बीटेक ग्रेजुएट ज्वाइन, बीटेक ग्रेजुएट ने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है? तो बीटेक तो सबसे पहले यहां लिखा है, किसने ज्वाइन किया है? राधिका ने। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी राधिका। और हमसे सॉरी इंस्टीट्यूट पूछा है, तो राधिका का इंस्टीट्यूट भी हम पता कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट कौन सा है? एफ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एफ। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है शोभा ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। सी देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन को देख के कहीं ना कहीं हमको क्या क्लिक होगा कि हमने जो वो ए और सी वाली एक पॉसिबिलिटी छोड़ के रखी थी ना, वो हम पूरी तरीके से सही थे, क्योंकि उनको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि सायली और शोभा में से कौन ए में था कौन सी में था, ये हम इनिशियली जज नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन देनी पड़ी ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और अब इन्होंने हमको बताया है कि अगर शोभा ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो इंस्टीट्यूट ए ने क्या ऑप्ट किया है, ये हमसे पूछा गया है। लेट अस सी, शोभा ने इंस्टीट्यूट सी ज्वाइन किया है। चलो, सो शोभा का अगर हम इंस्टीट्यूट सी ले लेते हैं, अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, अगर इसका सी है तो इसका ए होगा। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि फिर जिसने ए लिया है उसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है, तो उसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है? मार्केटिंग। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मार्केटिंग, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस पूरे के पूरे सेट से सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमको पहले इस टाइप का टेबुलर फॉर्म जो हमने पजल बनाया है पूरा, इसको इस तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं इस पूरे के पूरे साइड से वो मैं बताता हूँ, जिन चीजों पे हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव क्लूज पे हमेशा फोकस करना है, थोड़े से जो साइड क्लूज हैं अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको उसी टेबल में कहीं ना कहीं फिट करो, क्योंकि वो एज इट इज हमारे हो जाएंगे। नोट जरूर करते जाना साथ साथ में, अगर टेबल में फिट नहीं होता है, कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि टेबल में फिट नहीं हो पाती है जो हमने बनाया, बट कहीं ना कहीं साइड में लिख लेना उसको, नहीं तो बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट चीज जो हम यहां से जनरलाइज कर सकते हैं वो ये कि हम थोड़ा सा कामली पूरे के पूरे सेट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर पूरा सेट अच्छे से सॉल्व हो जाता है तो उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सेट सभी को समझ में आया होगा। इस पूरे के पूरे सेट से रिलेटेड और काफी सारे सेट्स हैं थोड़ी सी अलग अलग वेराइटी के, बेस्ड ऑन पजल्स, बेस्ड ऑन गेम्स, बेस्ड ऑन टीम सिलेक्शन, बेस्ड ऑन एनीथिंग डिफरेंट, ये हम लेकर आगे वाले वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।